नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले भारतीय कृषि की संस्कृति की पहचान पोला पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण दोस्तों भारत के विभिन्न राज्य विभिन्न प्रांतों में कृषि से संबंधित विभिन्न पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक पर्व मनाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है पोला पर्व या जिसे हम पोरा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम पोला पर्व के बारे में कुछ विशेष तथ्य। पोला पर्व भादो मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। किसानों के लिए पोला पर्व विशेष महत्व रखता है। पोला के दिन किसान बैलों को नहलाकर सजाते हैं एवं पूजा करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। एक तरफ जहां बैलों की पूजा होती है, वही लोग पकवानों का भी लुत्फ उठाते हैं। पोला पर्व पर शहर से लेकर गांव तक में धूम रहती है, लेकिन गांव देहात विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। पोला के दिन मिट्टी और लकड़ी से बने बैल चलाने की भी परंपरा होती है। पकवान में विशेष रूप से गुजिया, सेव ठिठरा या खुरमी बनाए जाते हैं, जिसे मिट्टी के बर्तन में भरा जाता है और पूजा की जाती है। उसके बाद पकवानों को बैलों को भी खिलाया जाता है। पोला पर्व को मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। पोला को छत्तीसगढ़ी में पोरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पोला के दिन अन्न माता गर्भधारण करती हैं, अर्थात धान के पौधों में दूध भरता है। इसी कारण पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती। आखिर क्यों पड़ा इसका नाम पोला? विष्णु भगवान जब कान्हा के रूप में धरती में आए थे, तब जन्म से ही उनके कंस मापा उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। कान्हा जब छोटे थे और वासुदेव यशोदा के यहाँ रहते थे, तब कंस ने कई बार कई असुरों को उन्हें मारने के लिए भेजा। एक बार कंस ने पोलासुर नामक असुर को भेजा था। पोलासुर को कृष्ण ने अपनी नीला के चलते मार दिया और सबको अचंभित कर दिया। वह दिन भादो मास की अमावस्या का दिन था, तभी से इसे पोला कहा जाने लगा। धन्यवाद।